अयोध्या का यही राम मंदिर है जहां श्री राम लल्ला की प्रतिष्ठापना 22 तारीख की सुबह हुई है। 23 तारीख से ये सब भक्तों के लिए खुला कर दिया जाएगा और सब लोग यहां पे आना शुरू कर देंगे। लेकिन अब उद्घाटन समारोह के बाद, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद कुछ समय के लिए सारे मीडिया कर्मियों को ये मंदिर कैसा है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन अब तक हुआ है, कितना पूरा हुआ है, क्या यहाँ पे अंदर किया है, वो देखने के लिए अंदर आने की अनुमति मिली। और उसके बाद ये जो विजुअल्स हैं वो आप देख रहे हैं। अभी भी मंदिर का जो निर्माण का काम है वो अभी भी शुरू है, लेकिन जो पहले लेवल का जो काम है वो पूरा हो चुका है। आगे का काम बताया जाता है करीब 2 साल तक चलेगा। और ये अंदर आप देखें तो अभी भी बहुत सारी फूलों की सजावट जो है वो फिलहाल यहाँ पे है, क्योंकि उद्घाटन का कार्यक्रम था तो खास इस तरीके इसलिए वो किया गया था। लेकिन जो इसका आर्किटेक्चर है, कई जगहों से जो कलाकार हैं यहाँ पे बुलाए गए और भारतीय स्थापत्य शैली का जो अलग अलग जगह पे है उसका एक प्रतिबिंब इस आर्किटेक्चर में पड़े, इस डिज़ाइन पे पड़े, इस तरीके की प्रयास यहाँ पे किए गए हैं। करीब 67 एकड़ की ये जगह है जो पूरी तरह राम जन्मभूमि न्यास को दी गई। आप हम सब जानते हैं करीब 31 साल से ये पूरा विवाद जो है वो यहाँ पे चल रहा था। और उसके बाद 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और तब ये पूरी ज़मीन राम जन्मभूमि न्यास को यानी हिंदुओं को दी गई। और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर जो मुस्लिम समुदाय है उनको जगह दी गई मस्जिद के लिए। हालांकि वहाँ का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कभी बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पूरा जो 67 एकड़ का इलाका है अगल बगल का वो न्यास को देने के बाद यहाँ पे काम जो है वो फिलहाल शुरू हो चुका है। 23 तारीख से सारे भाविकों को यहाँ पे आने के लिए ये मंदिर जो है वो खुला कर दिया जाएगा। मयूरेश कोंडूर, BBC News, अयोध्या।